उमेश पाल हत्याकांड के बाद संगम नगरी प्रयागराज की पुलिस को आज एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। संगम नगरी प्रयागराज के कौधियारा इलाके में पुलिस ने उमेश पाल हत्याकांड के दूसरे आरोपी को ढेर कर दिया है। विजय उस्मान चौधरी नाम का ये शख्स वही शख्स था जो उमेश पाल हत्याकांड के दौरान पहली गोली चलाया था। लगातार प्रयागराज की पुलिस, एसटीएफ की टीम और एसओजी की टीम बाकी बचे अपराधियों की धरपकड़ के लिए बिहार, पंजाब और दूसरे राज्यों में लगातार दबिश दे रही है। अतीक अहमद के बेटे असद की तलाश के लिए प्रयागराज की पुलिस ने लखनऊ के अंसल अपार्टमेंट में भी छापेमारी करी। गुड्डू उस्मान नाम का जो शख्स था, जो बमबाज था, लगातार जो बमों की बौछार कर रहा था उमेश पाल के ऊपर, पुलिस को सूचना थी कि ये लखनऊ के अपार्टमेंट में छिपा है। फिलहाल पुलिस लगातार दबिश दे रही है इन अपराधियों की धरपकड़ के लिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने भरे सदन में ये कहा था कि जो अपराधी है उनको मिट्टी में मिला देंगे, इसका सिलसिला बदस्तूर जारी है। आज संगम नगरी प्रयागराज की पुलिस ने जिस तरीके से दूसरे आरोपी को मार गिराया है, वाकई वो जनता के दिलों में जो एक डर था, एक भय था, उसको निकालने में प्रयागराज की पुलिस काफी हद तक सफल रही है। और प्रयागराज की पुलिस का कहना है, स्पष्ट रूप से कहना है कि जल्दी वो वक्त आएगा जो बाकी अपराधी हैं वो भी या तो सलाखों के पीछे हैं होंगे या तो ढेर कर दिए जाएंगे। विवेक पांडे, सौगन टीवी, प्रयागराज। उमेश पाल हत्याकांड के बाद संगम नगरी प्रयागराज की पुलिस को आज एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। संगम नगरी प्रयागराज के कौधियारा इलाके में पुलिस ने उमेश पाल हत्याकांड के दूसरे आरोपी को ढेर कर दिया है। विजय उस्मान चौधरी नाम का ये शख्स वही शख्स था जो उमेश पाल हत्याकांड के दौरान पहली गोली चलाया था। लगातार प्रयागराज की पुलिस, एसटीएफ की टीम और एसओजी की टीम बाकी बचे अपराधियों की धरपकड़ के लिए बिहार, पंजाब और दूसरे राज्यों में लगातार दबिश दे रही है। अतीक अहमद के बेटे असद की तलाश के लिए प्रयागराज की पुलिस ने लखनऊ के अंसल अपार्टमेंट में भी छापेमारी करी। गुड्डू उस्मान नाम का जो शख्स था, जो बमबाज था, लगातार जो बमों की बौछार कर रहा था उमेश पाल के ऊपर, पुलिस को सूचना थी कि ये लखनऊ के अपार्टमेंट में छिपा है। फिलहाल पुलिस लगातार दबिश दे रही है इन अपराधियों की धरपकड़ के लिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने भरे सदन में ये कहा था कि जो अपराधी है उनको मिट्टी में मिला देंगे, इसका सिलसिला बदस्तूर जारी है। आज संगम नगरी प्रयागराज की पुलिस ने जिस तरीके से दूसरे आरोपी को मार गिराया है, वाकई वो जनता के दिलों में जो एक डर था, एक भय था, उसको निकालने में प्रयागराज की पुलिस काफी हद तक सफल रही है। और प्रयागराज की पुलिस का कहना है, स्पष्ट रूप से कहना है कि जल्दी वो वक्त आएगा जो बाकी अपराधी हैं वो भी या तो सलाखों के पीछे हैं होंगे या तो ढेर कर दिए जाएंगे। विवेक पांडे, सौगंध टीवी, प्रयागराज। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।